हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राहुल मिस्ट्री क्लासेस। यस बच्चे, आप लोगों की कुछ क्वेरीज हैं जेई को लेके, तो आज हम उसको दूर करेंगे। जेई का जो एग्ज़ाम है, इस बार 4 अटैम्प्ट मिल रहे हैं हमको, काफ़ी खुशी है बच्चों में। लास्ट ईयर 2 अटैम्प्ट थे, ठीक है, जैन में होता था, अप्रैल में होता था पेपर। इस बार 4 अटैम्प्ट मिल रहे हैं, फेब मार्च अप्रैल एंड मई, ठीक है। तो मई में आपके बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं है, और कंफ्यूजन ये है कि पेपर दें कौन सा। चार चार ऑप्शन है, एक पेपर होता तो दे देते, दो हैं तभी बच्चे दोनों ही देते हैं, तो इस बार 4 पेपर हैं, तो कौन सा देना है, कौन सा रहने दें, क्या चारों दे दें, है ना। तो कुछ ऐसी कन्फ्यूजन है, और एक कन्फ्यूजन सबसे बड़ी जो है वो ये है कि अगर पहला पेपर नहीं दिया तो अगले पेपर के लिए प्रोसीजर क्या है। ऐसा तो नहीं है कि पहला है, अगर रजिस्टर ना किया तो आगे हम बैठ ही नहीं सकते, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर जो पहला पेपर देना है आपको, उसके लिए जो डेट है वो 16 तक है, 16th of Jan तक। 16th Jan फॉर्म की लास्ट डेट है और 17th पेमेंट की, ठीक है। तो अगर आपको फर्स्ट पेपर देना बच्चे, तो 16th तक फॉर्म भर दो, और 17th आपकी लास्ट डेट है पेमेंट की, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं दे रहे, तो सेकेंड अटैम्प्ट के लिए आप कब फॉर्म भरोगे, है ना। तो उसके लिए आपको वेट करनी पड़ेगी पहले वाले के रिजल्ट, यानी कि 23rd से 26 फेब तक आपका फर्स्ट एग्ज़ाम है, ठीक है। उसके बाद विद इन 1 वीक या 2 वीक रिजल्ट आ जाएगा, मार्च 10 तक। उसके बाद जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद साथ में ही विंडो आपको खुली मिलेगी, और आप लोग अपना फॉर्म भर दोगे, और साथ के साथ डेट्स भी आ जाएंगी सेकेंड एग्ज़ाम की, थर्ड की, फोर्थ की, सबका ऐसे ही चलेगा। ये तो था जो प्रोसेस है, उसके बाद उनकी फ़ी पॉलिसी क्या है। सॉरी, देखो जो मेल के लिए, बॉय के लिए हमारी जो फीस है वो 650 है, ठीक है, हमारी नहीं जेई वालों की, ठीक है। और जो गर्ल्स के लिए फीस है वो है 325 फॉर बीटेक। अगर बीआर के लिए भी साथ में अप्लाई करना है, अगर अकेला बीआर का देना तो भी लग प्रोसीजर, तो बीआर की लग फीस है ना, तब इतनी ही है फीस। अगर आपने दोनों पेपर देने हैं, बीटेक बीआर दोनों, तो उसके लिए आपकी फ़ीस डबल हो जाएगी। बॉयज़ के लिए 1300 और गर्ल्स के लिए 650, ठीक है। आपके पास एक चीज़ और है, आप चारों पेपर एक साथ भी भर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आप चाहो तो फीस भी एक साथ पे कर सकते हो, तो वो आप पे डिपेंड करता है आपने कैसे करना है। तो टोटल फीस 615 × 4, दैट इज 2600। तो अभी यही फीस लगेगी, इसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। तो ये बॉयज़ की फ़ीस है, गर्ल्स की फ़ीस 1300 हो जाएगी, ठीक है। ये बच्चे फ़ी स्ट्रक्चर, फ़ी स्ट्रक्चर में एक रिफंड पॉलिसी भी है। रिफंड पॉलिसी में देखो क्या है, ध्यान से समझना। जो रिफंड पॉलिसी है, मान लो कोई बच्चा पहला पेपर दे रहा है और दो पेपरों की फ़ीस भर रहा है, पहले की और दूसरे की, ठीक है। और भाई साहब ने पहला पेपर दिया और दूसरे पे आ गए, दूसरा पेपर नहीं दे पा रहे, है ना। मान लो बच्चा कोई बीमार हो गया, ठीक है, कहीं ज़रूरी काम, बहुत ज़रूरी काम पर गया, है ना। तो उसके लिए क्या है, फ़ीस वापस मिल जाएगी, या आप अगर चाहो तो थर्ड अटैम्प्ट में फ़ीस आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। तो ये पॉलिसी है, अच्छी पॉलिसी है रिफंड पॉलिसी। तो फीस को आपको घबराना नहीं है कि हमारी फीस ऐसे रहना जाए, तो वो आपको रिफंड हो जानी है या नेक्स्ट पेपर में एडजस्ट हो जानी है, ठीक है। तो ये है फीस पॉलिसी, चारों एक साथ भरने ज़रूरी नहीं है, बाद में भर दो, एक एक करके भर दो, उतने ही पैसे लगने हैं, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा कि एक एक करके भरना, ताकि चार्जेस उतने ही है, ठीक है। तो चारों एक साथ क्यों भरने, राइट। इसके बाद बच्चे फीस पॉलिसी आपको सबको समझ आ गई। इसके बाद आता है एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न जो है इस बार का, वो थोड़ा सा अलग है पिछले साल से, चॉइस मिल गई हमें, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे, 30 में से 25 करने हैं, और 30 में से 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे MCQ, ठीक है। और जो 10 क्वेश्चन होंगे वो होंगे NVT टाइप, ठीक है। कौन सी टाइप, NVT, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप, उसमें आपको 10 में से 5 करने हैं। MCQ में कोई चॉइस नहीं आएगी, अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है वैसे थ्रू आउट ऐसे ही चलेगा, जो आ चुकी है गाइडलाइंस उन्हीं को फॉलो किया जाएगा, राइट। तो अब आपका बच्चे, आपको पेपर अटैम्प्ट कौन सा करना है, तो उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट ज़रूर दो, ठीक है। जो फेब में एग्ज़ाम होगा उससे आपको बहुत कुछ पता लगने वाला है। पेपर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो जेई का पेपर, ठीक है, पेपर कैसा आता है, अटेम्प्ट कैसे करना है, CBT टाइप है, जो हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना। तो ऐसा नहीं कि हम सीधा फोड़ते हैं और हमें पता ही ना लगे कि
इतना ज़्यादा बंदा, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट होगा आपको पता होगा, इट्स जस्ट लाइक अ मॉक टेस्ट है ना, तो आपको पता होगा मेरे पास 3 चांस और है, तो आप लोग इतने पैनिक नहीं होगे, सीधा फोर्थ दोगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, उसके बाद अगर नहीं क्लियर होता तो अगर आपका टारगेट है जेई तो आपको साल ड्रॉप करना पड़ता है। तो यही तो हमारे NTA वालों ने ख़त्म करना है कि बच्चे ड्रॉप ना करें, तब इसीलिए बच्चे 4 चांस मिल रहे हैं। तो फर्स्ट अटैम्प्ट सबसे पहले देना ही देना है, ठीक है। फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर आपने पूरी +2 कर रखी है तो +2 के बेस पे अगर अच्छा स्कोर आ जाएगा, +1 अगर आप साथ साथ कर सकते हो, फेब में है, 23rd फेब, ठीक है, काफ़ी टाइम पड़ा है, 1.5 महीने से ऊपर, तो आप चाहो तो +1 भी साथ साथ कैरी कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद फर्स्ट अटैम्प्ट का रिजल्ट आ जाएगा 10 मार्च तक, ये सारे जो आपके 3 मंथ्स हैं, ठीक है, बहुत आपको ध्यान से चलना है इसमें, स्ट्रेटजी के साथ चलना है, ऐसा नहीं कि चलो टाइम जा रहा है जाने दें, आपको हर दिन हर डे प्लान करना, ठीक है। तो फर्स्ट रिजल्ट जब आ जाएगा 10 मार्च तक मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, एग्जैक्ट डेट नहीं है, तो उसके बाद जब सेकेंड अटैम्प्ट देना है आपने, तो उसके लिए आपके पास सेकेंड ऑप्शन होगा, सेकेंड पेपर दे दो मार्च वाला, या थर्ड पेपर दूँ अप्रैल वाला। तो उसके लिए अगर आपकी +1 अच्छी है, आपने कर ली +1, तब आप सेकेंड अटैम्प्ट दे देना, नहीं तो आप थर्ड अटैम्प्ट के लिए जाना, फोर्थ अटैम्प्ट का रिस्क नहीं लेना। फोर्थ अटैम्प्ट तो तब होगा जब थर्ड का रिजल्ट आ गया और हमारे हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, हमारा स्कोर इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर आपका स्कोर अच्छा आ गया तो, क्योंकि पूरा मंथ जब आप +2 पढ़ लोगे फोर्थ अटैम्प्ट के लिए, तब आप +1 थोड़ी आपकी वीक रह जाएगी, है ना, बोर्ड्स के बाद आपके पास टाइम नहीं होगा, बोर्ड के बाद +1 करने का इतना टाइम नहीं होगा, +1 थ्रू आउट जब आप +2 पढ़ोगे बच्चे बोर्ड के लिए, तो +1 के लिए टाइम नहीं बचेगा, फोर्थ अटैम्प्ट देने का कोई फायदा नहीं होने वाला। थर्ड अटैम्प्ट शुड बी द बेस्ट, इज द बेस्ट अटैम्प्ट, ठीक है। थर्ड अटैम्प्ट जो है वो बहुत अच्छा साबित होने वाला है सबके लिए। ये इस अटैम्प्ट के बाद देखो 23 से 26 पेपर है पहला, उसके बाद पूरे 2 महीने होंगे, 2 महीने में +1 बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। 40% नियर अबाउट 40% +1 कवर करेंगे, 40 to 45% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों, ठीक है। तो ये थे थोड़ी सी आपको मैंने सजेशन दी है कि बच्चे पहला पेपर ज़रूर दो और इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। लास्ट ईयर से भी मैं बता रहा हूँ, लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से आप मानोगे, लास्ट ईयर में बच्चों के 97-98% आ रहे हैं फर्स्ट में, सेकंड में बच्चा पढ़ ही नहीं पाता, उसका मार्क्स डाउन जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम फेस कर चुके हैं बच्चे, तो मैं नहीं चाहता आप लोग करो, तो इसलिए पहला अटैम्प्ट दो, पूरी जान लगाओ, बहुत अच्छा होगा, और इस बार फायदा आपको ये रहने वाला है, फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत ज़्यादा बच्चा पियर नहीं होगा, और फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी भी नहीं होती किसी की, क्योंकि बहुत जल्दी हो रहा है एक तरह पेपर। तो आप लोग पूरा फोकस करो ताकि फर्स्ट अटैम्प्ट इतना अच्छा कर दो, आपको ज़्यादा आगे का सोचना ना पड़े, आपके दिमाग से स्ट्रेस हट जाए, आपको पता हो कि हाँ भाई आई एम क्वालिफाइड फॉर द JEE एडवांस, ठीक है। 90 जनरल कैटेगरी है तो 90 से ऊपर परसेंटाइल आ गई तो समझ लो JEE आपका क्वालिफाइड है, ठीक है। तो स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ोगे बच्चे, बहुत अच्छा पढ़ा जाएगा और आने वाले में आप अपना NTA स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो, राइट। और एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है उसके लिए मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देखना एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है और NTA स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। ओके, थैंक यू।